एंड वेलकम टू माय चैनल। आजकल सोया चाप को बहुत पसंद किया जाता है और मैं इसकी अलग अलग रेसिपीज बनाती हूँ। आज एक सिंपल सी रेसिपी तंदूरी मसाला सोया चाप की लेकर आई हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। इस रेसिपी के लिए आपको अवन की कोई ज़रूरत नहीं। इस रेसिपी को आप स्नैक में, लंच में, डिनर में या किसी भी स्पेशल ओकेजन पर बना सकते हैं। बनाने में आसान है और झटपट बन जाती है। यदि आप वेजिटेरियन हैं या रिसेंटली टर्न्ड वेजिटेरियन हैं तो आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अक्सर कोई भी पार्टी में वेजिटेरियंस के लिए वही रहता है, पनीर और आलू। आप इस डिश को अपने वेजिटेरियन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने इस रेसिपी के लिए फ्रोजन सोया चॉप्स लिए हैं। यदि आपको फ्रेश मिल जाए तो सोने पे सुहागा। आप इन सोया चॉप को डिफ्रॉस्ट कर लीजिए और इनकी अंदर की लकड़ी को बाहर निकाल लीजिए। ये डिश एक कंप्लीट मील है और यदि आप वेट लॉस प्रोग्राम में हैं तो आप इसको लंच में ले सकते हैं। मैं इसमें आधा कप दही डालूंगी, जिसमें मैंने 2 बड़े चम्मच मलाई डाली हुई है। इससे इसका टेस्ट थोड़ा खट्टा और क्रीमी दोनों हो जाएगा। 1 बड़ा टेबलस्पून तंदूरी मसाला डालें। स्वाद अनुसार नमक डालें। मैरिनेशन के लिए आप लो फैट योगर्ट ले सकते हैं और 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालें। अब हम इस मसाले को अच्छे से इस सोया चाप में लगा लेते हैं। हर सोया चाप में आप 2 से 3 डीप कट्स लगा दीजिए। इससे ये मसाला इसके अंदर तक बहुत बढ़िया चला जाएगा। मैं फिर से इसमें मसाला लगा रही हूँ। अब हम इसको आधा घंटा मैरिनेशन के लिए रख देंगे। यदि आप हमारे वीडियो देखते हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही टाइम है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, वो बेल आइकन बटन जरूर दबाना ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले आए। आधा कप जब तक मेरे सोया चाप मैरिनेट हो रहे हैं, एक पैन में 1 चम्मच तेल ले लेते हैं। इसमें मैं लंबा पतला कटा हुआ प्याज डालूंगी। इसको हम 2 मिनट तक सॉटे कर लेते हैं। इसे हमने खाली ट्रांसपेरेंट होने तक पकाना है। इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालें। इसमें 1 बड़ा टमाटर लंबा पतला कटा हुआ डाल देते हैं। आधा चम्मच धनिया पाउडर डालें। थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा नमक स्वाद अनुसार। इसको अब हम थोड़ी देर पका लेते हैं। इसमें 1 शिमला मिर्च लंबी पतली कटी हुई भी डाल लेते हैं। इससे इसका फ्लेवर थोड़ा बढ़िया आएगा। एक चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर डालें, थोड़ा स्वाद और कलर के लिए।
पानी डालकर इस सब्जी को और पका देते हैं। हमने इस सब्जी को पूरी तरीके से गलाना नहीं है, बस थोड़ा सा 2 से 3 मिनट तक पकाना है। इसमें मसाला हल्का गीला रहना चाहिए, इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा पानी डाला। यदि आप कोई और सब्जी पसंद करते हैं तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। ये सब्जी अब बनकर तैयार है। एक नॉनस्टिक पैन में 1 छोटा चम्मच तेल डाल लेते हैं। इसमें अब हम अपने मैरिनेट किए हुए सोया चाप रख लेते हैं। हमने अपने सोया चाप को मीडियम हीट पर रखना है। इनको आप एक तरफ करीब 2 मिनट तक पकने दें। दो मिनट में इसमें हल्का भूरा कलर आ जाएगा और ये सोया चाप का पानी भी थोड़ा सूख जाएगा। इनको अब हम हल्के हाथ से पलट लेते हैं। इनको अब दूसरी तरफ भी हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। आप इन सोया चाप को हल्के हाथ से पकड़कर दोनों तरफ अच्छा गोल्डन ब्राउन कर लीजिए। ये बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इनको निकाल सकते हैं। देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आया है, बहुत बढ़िया गोल्डन ब्राउन। और हाँ, बनाने में इसको खाली करीब 5 मिनट लगेंगे। एक प्लेटिंग डिश में हम अपनी स्टर फ्राइड वेजिटेबल को डाल लेते हैं। इन सब्जियों से इस सोया चाप में एक एडिशनल स्वाद आ जाता है, साथ में विटामिन्स और फाइबर दोनों तो है ही, तो ये बिल्कुल हेल्दी स्नैक या हेल्दी लंच है। आप इस सोया चाप के ऊपर थोड़ा सा धनिया या पुदीने के पत्ते डाल सकते हैं। थोड़ा नींबू से गार्निश कीजिए और ये बनकर बिल्कुल तैयार है। ये रेसिपी एक बहुत बढ़िया स्नैक है, एक मेन डिश है और जब कुछ स्पेशल बनाने का मन करे तो झटपट बन जाती है। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। यदि रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली बार।